मन के नीड जस्ट ये क्या खाया ये भगवान मैंने मैंने अमृत चख लिया। ये सेटअप मुझे जबरदस्त लगा, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं वो कि साइड मिरर के नीचे थोड़े पीछे लगाने का वो अपर एंगल्स। देखो मैंने कमेंट देखा था कैमरा प्लेसमेंट के लिए कि निखिल भाई इसको पीछे की तरफ रखो, नीचे और पीछे की तरफ। देखो वो जो एंगल है ना वो स्पोर्ट्स बाइक वाला एंगल है और मुझको वो पर्सनली एंगल पसंद नहीं है। मैंने कैमरा यहाँ पर इसलिए नहीं लगा है कि आप सिर्फ मेरे को देखो, मुझे चाहिए कि आप पूरा ऐसा फील्ड ऑफ व्यू देखो, चाहे फोन पे टीवी पे देखो लैपटॉप पे देखो, आपको ऐसा लगे अरे निखिल भाई के सामने खड़ा हूँ मैं, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पर वो रख के वो वाली फीलिंग नहीं आती, इसके लिए माफी मुश्किल है दिस वन। का टेंशन मतलब कि मेरे बीच में आता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 360 से बहुत बार चलाया हूँ तो मेरा ध्यान सड़क पर है, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी पार्ट जैसी विंडशील्ड है तो अपने को तो आता तो कही है, तो या दिस पासेस। बट अभी देखेंगे ये वाला लेंस डालेंगे नॉर्मल लेंस डालेंगे। व्हाट एवर इट इज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बोलते ना कुछ चीज़ों की जब जरूरत होती तब मिलती नहीं है, मेरे केस में मैंने फेक दी तो मुझे अभी कलर चाहिए, क्यों चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो का जब मुझे मिल जाएगा तब बताऊंगा। तो कुछ दिनों पहले मैंने होली के लिए बहुत सारे रंग लिए थे, सब रंग इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक्सेस के बूट में डाल दिए। अब उधर ही पड़े हुए थे, जब भी खुलता था तो कुछ ना कुछ रंग उड़ता था, कुछ दो पैकेट खुले हुए थे, कुछ कपड़ा डालता था, एक बार हेलमेट डाला था उस पर रंग लग गया था। तो मैंने क्या किया, कुछ दिनों पहले गया डस्टबिन में डाल दिया। आज मेरे को जरूरत पड़ी, आज मेरे पास रंग नहीं है, इंस्टाग्राम चेक किया, अमेजन में भी चेक किया, कोई अभी रंग थोड़ी ना बेचेगा। फिर भी एक शॉप है वहां पर ट्राई करूंगा, मुझे चाहिए केसरिया रंग, मिल गया तब बताएंगे। थोड़ा ट्रिम किया बीट को, देखो यहां से थोड़ा सही लग रहा है, आई थिंक यहां से सही ट्रिम नहीं हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा यार इसको ये मेंटेन करना ना ये सब बहुत ताम झाम है, उल्टा जब क्रीम लगा मॉइस्चराइजर क्रीम तो दाढ़ी वाड़ी में फंस जाती है। ब्रिटिश जिसके बियर्ड है उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू मेट। वो यश ने KGF के लिए कैसे, चलो उल्टो के पास तो लोग रहते हैं, टेंशन नहीं है। अभी देखो एक बंदर जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल, वो है रणवीर सिंह। अभी रणवीर सिंह जैसे हमारे पास हेयर स्टाइलिस्ट तो है नहीं ना, बार्बर है, फिर भी जो करते हैं खुद से करते, तो आज मैंने रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड एक हेयर स्टाइल करने की कोशिश की है। मुझे पता है इतनी अच्छी बनी नहीं है, और व्हाटएवर इट इज़ कैसे लग रहा है बता देना। अभी थोड़े बियर्ड के बाल बढ़ेंगे, थोड़ा उसको भी सेट करेंगे। बहुत कुछ सीखा है मैंने कनाडा में, जब फ्री टाइम मिलता था तो बस यूट्यूब पर यही सर्च करता था। अभी एक नया फेस चालू हो गया इस गाय का कि जैसे ही उसके सामने मोबाइल रखो तो भाई साहब उसको टच करना है, उसको फील लेना है मोबाइल का, और उसको गिराना है। कैमरे के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कैमरा नज़दीक आता है तो इसको अभी कैमरे का लेंस पकड़ी हुई है। ओह व्हाट इज़ दिस, इज लुक सो टेस्टी, डोंट ईट दिस गाय। तो इसको पता नहीं है लेकिन ये पूरा छेड़खानी जो है अच्छे तरीके से करती रहती, कसम से बोलता हूँ बहुत मज़ा आ रही है फेस देख के। आई कांट वेट कि जब ये चलने लगेगी बोलने लगेगी तो क्या मजा आएगा इसके साथ, है ना बाबू। टेबल इवेंट की न्यू टी शर्ट आई है हीरोज, यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है तो दिल्ली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। लेकिन उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखा होगा, मैंने जो हीरो का बिल्ला पहना था वो, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिल्ले जो आप जैकेट पे टी शर्ट पे लगा सकते हो। इसमें क्या लिखा है, इट्स बैचेस बिल्ले, तो हम बिल्ला भी बोलते हैं ना, बैचेस। इट्स टाइम टू ट्रैवल, स्काई को भी पसंद है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट किचन्स, किचन्स भी आ गए हैं। ये सब हम खुद अभी ट्राई करने वाले हैं दिल बिल्डिंग के, तो हर चीज निकालो, हर चीज टच कर रहा है उसको देख। ये ले, क्या करेगी इसको तू बेटा, बस हाँ तेरे घर की चाबी तो है ही है, उसमें डाल देना। चलो अभी निकिता का बर्थडे है आज तो उसको, वैसे तो कल गिफ्ट दे दिया था उसको। देखो हम लोग पूरे पीक टाइम पे निकल रहे हैं, बट मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, बिकॉज आई एम वेल रेस्टेड, और स्काई भी जो अभी गाड़ी में सो जाएगी क्योंकि उसको भी नींद आ रही है, गाड़ी सोने में आती है इसको सब होश आवाज आ जाती है। हाँ मुझे भी देखना है बाहर, बट अभी बहुत ट्रैफिक होने वाली है बॉस, मुझे गाड़ी चलाने दो। हाँ वो होता है ना, बच्चे लोगों को स्टीयरिंग पकड़ना रहता है, दे देंगे हम बिल्डिंग के अंदर। और अभी मैं एक सक्शन माउंट ढूंढ रहा हूँ ये वाले कैमरे के लिए, जो कि यहाँ पर लगेगा ताकि ये जो व्लॉगिंग कैमरा है मैं ऐसा लगा सकूँ सेफली, क्योंकि अभी हाथ पे पकड़ के ड्राइव करना ना, इधर लगाएगा, इधर लगा ना, इधर लगा देंगे, बार बार मैं मोटी दिखूं इस एंगल से। अच्छा इधर लगा देंगे बस बीच में ऐसा। हाँ बट ऐसा लगाओ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली अभी ऊपर कैमरा आ गया ना, रैश कैम आ गया ना, तो वो उसको माइक पर लगता है तो हिला नहीं सकते, आई थिंक वो स्टेबल भी कर लेता है। सिम एकदम अभी राइट में हो तो थोड़ा सेंटर में है ना, ये अच्छा लग रहा है ना फैमिली फोटो के लिए, बाहर सनलाइट में तो और अच्छा रहता है। लेट्स गो टू मलाड, अभी आई एम नॉट गोना व्लॉग, आई एम गोना फोकस ऑन ड्राइविंग, उसको पीछे रखते, चलो चलो नहीं जाने वाली मुझे पता है। भाई देखो मुझे नहीं पता आज क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली हॉलीडे में पब्लिक बाहर ज़्यादा रहती है, लेकिन रास्ता एक्चुअल में खाली नहीं बोलूंगा लेकिन काफ़ी जल्दी आ गया, डेढ़ दो घंटा लगा नहीं, एक घंटे के अंदर आए अपन, 50 मिनट्स पहुंच गए। वाह निकलने के पहले मैं कैसे स्काई जादू कर ले, ब्लेसिंग कर दे रोड को, हो गया। एक्चुअली एक चीज़ ना, मुझे अभी ट्रैफिक में फंसने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज मुझे बैक ऑफ द हेड पता है कि मेरी बेटी सो रही है, तो जितनी लंबी ट्रैफिक चलेगी उतना लंबा वो सोएगी, ये सो के अब भी आ गए। स्काई
हैप्पी बर्थडे निकिता। थैंक यू। ये देखिए मैं इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। छोटी बच्ची लग, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो गई। छोटी बच्ची नहीं है, पूरी की हो गई है। नो वरी, वी मी एंड निकिता शेयर द सेम एज ग्रुप। ओके गाइस, आई एम यंगर देन निकिता, नॉट सेम एज। हां, अब मेगा दिन मैं नहीं किया। ये देखो टैग टैग आ गया। शाबाश, कितने का है? 2499। हां, व्हाट यू शो एवरीबॉडी, व्हाट यू आर वेरी गुड। ये तुम लोग सेम ड्रेस पहने हो क्या? नहीं, सेम जगह से लिया क्या? नहीं, ये तो लोखंड वाला से है एंड दिस इज ऑनलाइन। ओके, तो दोनों सस्ता है मतलब। ये दोनों पहनो का फोटो नहीं, वो महंगा अच्छा है। मैंने स्काईयू का दो चोटी बना दिया है सीम जैसा। इसको बड़ा मजा आता है जब ऐसा बनाता हूं मैं। और अभी निकिता का केक लाया है, वो केक जो है अभी काटा जाएगा और उसके बाद हम जो है निकल जाएंगे प्रॉब्ली चाय वाय पीने के बाद। हाँ शानिस, केक बताता हूँ, केक बहुत इंटरेस्टिंग है। शानिस का जो चॉइस बहुत अच्छा होता है। तो ये मेकअप वेकअप है ना, दुनिया ये कौन सा आइलैंड है यहाँ जाने वाली निकिता है ना? कौन सा नहीं, कनाडा तो ये है, कनाडा ये, कनाडा नहीं है ये, ऐसी कोई दुनिया है भी चिपका दिया उसने, चिपका दिया ग्रीन आ चिपका दिया ना। ये तो मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रहा, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। एक अच्छी बात हमारी जनरेशन की है कि बहुत सारे कैमरा फोन आ गए, सब लोग शूट कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ समझ में आती नहीं, जब ये काटते रहते हैं तो सारे लोग अपना कैमरा को चालू करते हैं, एक जन का कैमरा काफी है ना। हैप्पी बर्थडे, अरे पनौती 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 लग गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ ओ माय गुडनेस, मे गॉड, ये उम्र की निशानी है निकिता, ये उम्र की निशानी है। मे गॉड ब्लेस यू। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन के नीड जस्ट। ये क्या खाया? ये भगवान, मैंने मैंने अमृत चख लिया। ये ले बेटा, ये ले, ये ले, ये ले। अरे बेटा मेरी उंगली छोड़ दे। लुक एट योर हेयर स्टाइल मैन, व्हाट लाइक से। और हम वापस आ गए स्काई को, क्या मुझको शानिस को दोनों को नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। अभी तो हुआ ही नहीं हमको सोने का टाइम, लेकिन जैसे हम अपनी बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं ना, एक अलग जोश आ जाता है, पता नहीं क्यों। यार कैसा ये होते होते कॉकरोच का साइज देख, किधर है, किधर है, सामने किधर है, उधर। हां यार, वाइड एंगल लेंस में दिख नहीं रहा बट बहुत मोटा कॉकरोच है, वो भी अजीब कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। और मलाड से आते आते हमने ले लिया था कलर, एक्चुअली मुझको चाहिए ऑरेंज कलर, ये वाला कलर चाहिए, लेकिन बीच में येलो और रेड भी मिल गया। मतलब चलो कोई नहीं, सब कलर को जो है अपन मिक्स करेंगे और बनाएंगे ऑरेंज कलर, टेक्निकली ये कलर चाहिए। तो आपने पद्मावत का सीन देखा होगा रणवीर सिंह का, जो होली का टाइम रहता है ऐसा मुंह रख के ऐसा करता है, तो ऐसा कुछ हम लोग जो रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम अक्षय कुमार वाला बहुत अच्छा लगा, मतलब चलो भाई थोड़ा वो एक और करके देखते हैं, बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है तो क्यों नहीं करने का, बस है कि नहीं। फिर से सुन लो, चाहिए था ये ऑरेंज कलर, लेकिन अभी ये सारे कलर को मिक्स करके काइंड ऑफ वो एक कलर बन जाएगा। लेकिन वीडियो बनाने के पहले स्काई जो है उठ गई, और जैसे इसको मैंने गंदे पे लिया, उसने देखो ये मेरी न्यू लेवल की टी शर्ट पे वॉमिट कर दिया और वहां पर बैठी हुई है। इसकी जो बहन है निकिता, भी वो गोवा जाने का प्लान कर रही थी। मैंने गोवा का ऐसे ही मौसम चेक किया कितना वेदर देखा, तो वहाँ बारिश हो रही, मतलब 70% चांस ऑफ रेन हो रही है, नहीं रही मुझे नहीं पता। एंड केरला में तो बारिश चालू हो गई अब, इसका मतलब जब केरला में बारिश शुरू होती है तो एक महीने के 15 दिन के अंदर अंदर मुंबई में जो बारिश शुरू होती है, तो मेरा अनुमान ये बोलता है कि अगले 10 दिन के अंदर मुंबई में बारिश गिरेगी तो मज़ा आ जाएगा। बस मुंबई को राइट नाउ बारिश की सख्त ज़रूरत है। वो जो लेबल है इनकी हीरोज़ बनी थी ना, एक्चुअली जो हीरोज लिखा है वो ग्लो इन द डार्क है डेमोन्स्ट्रेट करना भूल गया, कोई नहीं, आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। इंसानों को अच्छी बात सुन के अच्छा लगता है और बुरी बात सुन के बुरा लगता है, इसी बात इंटरव्यू ज़्यादा दे नहीं रहा था। आपने देखा मेरे बैक टू बैक कॉल डिटेल्स में इंटरव्यू आया और बॉम्बे जर्नी में इंटरव्यू आया, तो थोड़ा डर रहा था यार मैं दूंगा ना इंटरव्यू, खामखा सबको करते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं, सब यूट्यूबर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को हिट आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी बेसिक, तो जाकर कुछ बोलेंगे तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा, यू नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी बैड। बैक टू बैक इंटरव्यू दिया और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, यू नो आई कांट थैंक यू इनफ बिकॉज आई फेल्ट नाइस, आई फेल्ट मैंने जो भी
किया, काम किया। और इसी बात पे एक अच्छी चीज़ बोल के गुड न्यूज़ देके मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा कि जो मैं बोल रहा था हमारा केरला का प्लान बन रहा है तो वो कंफर्म हो चुका है। फ्लाइट टिकट तो आ गई थी लेकिन बाय रोड जाऊँगा बाय फ्लाइट जाऊँगा वो भी जो है डिसाइड हो चुका है। एक्चुअली मुझे अभी फिलहाल जो बाय रोड जाना है क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है और मैंने रनवे 34 कौन सी मूवी थी वो देख ली थी, तो उधर साला जहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड करते हो भी साउथ का है साला दिमाग में आ गया। मतलब मैं इतना साल फ्लाई किया फिर भी वो मूवी देख के थोड़ा बहुत दिमाग में, लेट्स सी विल टेक अ फाइनल कॉल बिकॉज गाड़ी नहीं, अगर मुझे गाड़ी मिल गई तो शायद मैं बाय रोड जाऊँगा, बट इट्स क्वाइट फार। अभी जस्ट मैं साउथ से आया तो सेम रोड देखने को मिलेंगे वो देखा जाएगा। तो फाइनल कॉल तो हो चुका है, हम जा रहे हैं फॉर श्योर जाने के 2 दिन पहले मैं आपको बोल दूंगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाट एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, यहाँ तक देख लिया तो लाइक और कॉमेंट्स करके जरूर जाना। विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्राना विद मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। और हाँ बहुत सारे लोग मुझे यूएस से दुबई से मेल कर रहे हैं कि भाई आपने ड्रोन की बात की थी हम ड्रोन लेके आते हैं, तो DJI Mini 3 जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्च मतलब वो अनाउंस हो चुका है बट ऑर्डर देंगे तो अगस्त में आएगा, तो अभी कोई किसी का मतलब नहीं लेके आके, तो अनफॉर्चुनेटली हैव टू वेट टिल अगस्त। उसके पहले किसी का ड्रोन है तो ले लूँगा, मेरा FPV देखे